आज अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या प्रवीण कुमार द्वारा अमेठी कस्बे के ककवा रोड स्थित पुलिस लाइन व गौरीगंज के पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले आईजी प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया। इसके पश्चात क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण व सलामी लिया। तत्पश्चात पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष आदेश कक्ष का उद्घाटन किया एवं क्वार्टर गार्ड बैरेक परिवहन शाखा मेस आदि का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को यथावश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी के क्रम में पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाओं लोक शिकायत प्रकोष्ठ वाचक कार्यालय DCRB प्रधान लिपिक आंकिक शाखा मॉनिटरिंग सेल आदि अन्य शाखा कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों में अभिलेखों के बेहतर रखरखाव तथा कार्यरत अधिकारी कर्मचारी गण के कार्यों की गहनता से पूछताछ करते हुए संबंधित को यथावश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तत्पश्चात वह पुलिस कार्यालय गौरीगंज स्थित सभागार में जनपद अमेठी के पुलिस पेंशनर के साथ गोष्ठी के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान आईजी द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात आईजी महोदय ने पुलिस कार्यालय सभागार गौरीगंज में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी शाखा प्रभारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान जनपद में अपराध घटनाओं की समीक्षा कर उस पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु कड़े निर्देश दिए। लंबित विवेचना व आंशिक रूप से लंबित विवेचना के निस्तारण हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही हेतु आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, गैंगस्टर के अंतर्गत की गई कार्यवाही, पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही, माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही एवं गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की समीक्षा भी की गई। गैंग पंजीकरण की कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए। जेल में निरुद्ध अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने, गोकशी करने वालों की सूची तैयार कर प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस तथा दैनिक जनसुनवाई के दौरान आने वाले फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनकी समस्या का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आदेश निर्देश निर्गत किए गए। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु मादक पदार्थों व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, भंडारण, परिवहन व बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु कड़े निर्देश दिए गए। इसी के बाद वह थाना मुंशीगंज तथा कोतवाली मुसाफिर खाना के निरीक्षण हेतु पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने तमाम सारी चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण किया। उनके पूरे निरीक्षण के दौरान अमेठी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी, अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार के साथ चारों सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वार्षिक निरीक्षण संपन्न करने के उपरांत आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। पुलिस कमिश्नर्स की बैठक, क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी, अभियोजन पक्ष के साथ में विचार विमर्श और उसके बाद हमारे मुंशीगंज और ये मुसाफिर खाना थाने के निरीक्षण का जो पूरा उपक्रम था उसका उद्देश्य यही था कि कैसे जन शिकायतों का प्रभावी अनुसरण कर सकें और आपराधिक न्याय प्रणाली के दृष्टिगत जो हमारे जितने भी हमारे लिस्ट में अपराधी चिन्हित हैं उनको हम सजा सुनिश्चित करा सकें, जिससे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की और शासन की जो स्पष्ट योजना है अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की, उस पर एक अच्छा सा क्रियान्वयन कर सकें।
सर माल को लेकर कोई निर्देश दिया गया आपको? ये जो माल खाने को लेकर के दुरुस्त करना, उसे व्यवहारिक बना करके उसमें एक साइंटिफिक डायमेंशन देना, और साथ साथ में जो माल पुराने पड़े हुए हैं जिनका कि निस्पोज जैसी स्थितियाँ हैं, वहाँ पर हम लोगों अपने पूरे रेंज में अभियान चलाया गया है। उसमें कई जनपदों में कई थानों पर अच्छे परिणाम आए हैं। यहाँ पर इसको और अधिक सुधार की आवश्यकता है, तो इनको निर्देशित करें।